एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्थ। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर पे डिजिटल थर्मामीटर से अपने फीवर को माप सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को इसको यूज करना सही से पता नहीं है, जो कि आप एक्यूरेट फीवर को नहीं माप पाते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था मर्करी थर्मामीटर के ऊपर, जिसने अपने अच्छा रिस्पॉन्स उस पर दिया, लेकिन आज की वीडियो कंप्लीट होने वाली है डिजिटल थर्मामीटर के ऊपर कि कैसे आपको डिजिटल थर्मामीटर का यूज करना है, साथ ही जो इसकी जो फ़ारेनहाइट होती है उसको सेल्सियस में कैसे ला सकते हैं, आप सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में कैसे ले सकते हैं, साथ ही पार्ट्स नेम भी जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स नेम देखेंगे, तो इस एरिया को बोलते हैं लास्ट रीडिंग रीसेट, यानी कि इस एरिया को लास्ट रीडिंग रीसेट, इसको बोलते हैं बीप रिमाइंडर, बीप रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं वाटरप्रूफ। उसके बाद इस एरिया को बोलते हैं एक्यूरेट, और साथ ही इसको बोलते हैं फास्ट रीड, यानी कि फास्ट रीड। और इस एरिया को बोलते हैं ऑटो शट ऑफ, यानी कि ऑटो शट ऑफ इसको बोलते हैं, और या ऑफ ऑन के लिए होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको ऑन करके किस प्रकार से इसको ऑन करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑन करना है, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको सेल्सियस में कैसे लाना है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐसे प्रेस करना है, उसके बाद आपको थोड़ा देर तक इसके लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आपको सेल्सियस में आते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं इसको कैसे आपको फ़ारेनहाइट में ले जाना है। तो फिर इसको प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा देर इसको प्रेस करके रखना है, तो यह फ़ारेनहाइट में चल गया। तो चलिए देखते हैं रीडिंग करके कैसे इसको आपको बॉडी टेम्परेचर को रीडिंग करना है। तो इसको आप माउथ में भी लगा सकते हैं, यानी कि आप जीभ के नीचे भी लगा सकते हैं, साथ ही अंडरआर्म में भी आप लगा सकते हैं, जो कि तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रीड करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने हाथों को इस प्रकार से पकड़ा है, जो कि तो देखिए यहाँ पे जो इंडिकेट हो रहा है, उसके बाद लगभग एक मिनट आपको छोड़ देना है, या जब बीप रिमाइंडर करने लगे तो भी इसकी एक्यूरेट माप होती है। तो काफ़ी इजी है इसका यूज करना, जो कि आपको सबसे पहले जो मर्करी थर्मामीटर होती है उससे काफ़ी इजी होती है डिजिटल थर्मामीटर, लेकिन कभी कभी आपको एक्यूरेट यह नहीं बताता है, क्योंकि मर्करी वाले जो होते हैं वो एक्यूरेट आपको रीडिंग देती है। तो नॉर्मल आपको कितना फीवर होता है और हाई कितना होता है, तो जैसे कि अभी जो मैंने हाथों में इसको लगाया तो इसमें दिखा रहा है कि जो 97.3 फ़ारेनहाइट, यानी कि 97.3 फ़ारेनहाइट पे यह रीडिंग करने लगा, बीप रिमाइंडर करने लगा। देख सकते हैं अभी आवाज़ भी आ रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे कि इसको कैसे आपको सेल्सियस में मापना है। तो सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म तक इसको प्रेस करेंगे। अब इसको सेल्सियस में देख लेते हैं कितना आता है। तो सेल्सियस में देखने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा वेट करना है, एक मिनट के आसपास में आपको वेट करना है। साथ ही आप बच्चों को अगर यूज कर रहे हैं तो ध्यान दें कि वह अपने बच्चों को दांत से वह नहीं काटे, यानी कि वाइट नहीं कर पाए। साथ ही इसको अंडरआर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेल्सियस में कुछ इस प्रकार से रीडिंग करने लगा, तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 36.3, यानी कि 36.3 सेल्सियस में ये हो गई। तो इसको फिर से वापस ऑन ऑफ कर देना है। साथ ही जब भी आप किसी को माउथ में यूज करते हैं तो सबसे पहले इसको क्लीन करना बहुत ही जरूरी हो सकती है, यानी कि दूसरे पेशेंट पे अगर आप यूज करते हैं तो इसको सबसे पहले क्लीन जरूर से करें, और आप घर पे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हाई टेम्परेचर दिखता है तो आप फौरन डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो यह जानकारी के लिए इस वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, ना कि कोई मेडिसिन के बारे में सजेशन करता हूँ। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।